भाई बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमारे दिनेश शर्मा जो कि जेलर साहब, उन्होंने तरुण गिल को क्या क्या बोला। साथ ही हम बात करेंगे सुनील यादव ओविद खान के करंट अपडेट्स के बारे में। तो भाई हमारा पहला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हमारे दिनेश शर्मा की तरफ से। दोस्तों ये जेलर भी है और साथ ही एक बॉडी बिल्डर भी। दोस्तों इन्होंने तरुण गिल की किन हरकतों को लेकर क्या बातें बोली है, और साथ ही हम देखेंगे कि तरुण गिल ने ऐसी क्या हरकत की थी जिसकी वजह से बातें हुई। नींद लाने का ना दो सिंपल तरीके बताता हूँ, दो। एक मेरा तरीका, दूसरा नॉर्मल तरीका। मेरा तरीका, अगर आपकी शादी नहीं हुई, मास्टरबेट, मास्टरबेट मैन। उसके बाद जो नींद आती है, जो रिलैक्स हो जाता है ना आदमी, भाई 8 घंटे पता भी नहीं लगेंगे। और जो उसके नेक्स्ट डे जो रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर जो रिकवरी होगी, फकिंग अमेजिंग। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब सेक्स and you'll feel amazing, or neend top notch। Mr. Tarun Gill, क्या आप मुझे अपना कैलेंडर देखकर बताएंगे कि आपके दिमाग की बवासीर कब खत्म होगी? सोशल मीडिया पे आप इतना गंदा और अश्लील कंटेंट अपलोड करते हैं, आप ये चाहेंगे कि आपके परिवार के, आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे आपके उस कंटेंट को फॉलो करें? अच्छे, आपके छोटे भाई बहन उस कंटेंट को फॉलो नहीं कर सकते तो अपने दिमाग की गंदगी आप समाज में क्यों फेंक रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि आप एक वेल क्वालिफाइड हैं, काफी फॉर्च्यून कंपनीज आप छोड़ चुके हैं, दूसरी तरफ आपका ये कंटेंट। एक्चुअली आप तो शेख चिल्ली से भी गए गुजरे हैं। फिटनेस की जिस डाली पर आप बैठे हैं आप उसे ही काट रहे हैं। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें से 10 बच्चे भी आपके इन टिप्स को फॉलो करने लगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने कभी सोचा है? इनडायरेक्टली आप क्राइम को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप उन्हें प्रवोक कर रहे हैं गलत चीजों की तरफ। क्या यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि समाज को गड्ढे में जाने से आप बचाएं? सगिल, आपकी फास्ट ब्रीथिंग को देखकर पता है क्या लगता है कि आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं, फिटनेस लवर नहीं, आप एक या तो घटिया अश्लील मैस्टरबेट लवर है या सेक्स लवर। टॉप नॉच एथलीट्स को आप साले साले करके बात करते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर तरुण गिल, या तो आप अपनी गंदगी का एक कोठा बंद करें, नहीं तो आपका शटर अब हम गिरा देंगे। बीमारी जैसी चुनौतियां कम थी क्या कि अब आप भी आ गए? ध्यान रखिए मिस्टर तरुण गिल, चुनौतियों और चूतियों में सिर्फ न का फर्क होता है। और अब नो टू तरुण गिल। तो भाई नेक्स्ट अपडेट हमारा आ रहा है तरुण गिल की तरफ से, जो कि आजकल जोकर बनते फिर रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद मैं बताऊंगा कि कौन जोकर है, वो सबकी मैं पोल खोलूंगा। तो एक बार उसका हम कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, अगर वो कहना क्या चाहते दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है वो भी हमें बता सकते हो। तो कौन है जोकर ये पता लगेगा 10 दिन, 10 more days टू गो। जो असली जोकर है वो सामने। तो भाई हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर सुनील यादव की तरफ से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, बम्बई प्रो शो खेलने के बाद वो अपनी तैयारी में लग गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनका बम्बई प्रो शो में कोई प्लेसिंग वो लेके नहीं आ पाए। बाकी कंडीशनिंग इनकी कितनी खतरनाक थी आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी लेटेस्ट फिजिक की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो ओवरऑल बॉडी कितनी टॉप नॉच पे लग रही है, मसल मास कितना ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हो सेपरेशन एप्स में, लेग्स में, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, ओवरऑल बॉडी कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी लगी है। दोस्तों आपको सुनील यादव की फिजिक कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला अपडेट दोस्तों हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे ओवेद खान की तरफ से। दोस्तों ये बेबी फेस बॉडी बिल्डर के नाम से कहे जाते हैं और ये कंपटीशन में भी कम्पीट करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं इनका कुछ अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ। अभी इन्होंने अपनी करंट फिजिक हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों अगर इनकी करंट कंडीशन की आप बात करो तो देख सकते हो मसल मास इनके हाइट के हिसाब से इनके पास अच्छा खासा है, साथ ही मस्कुलरिटी भी अच्छी लग रही है। दोस्तों आपको ओवेद खान की फिजिक कैसी लगती है, और आप क्या सोचते हो कि ये एनाबोलिक यूज करते नहीं करते, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उसमें हम बात करेंगे हमारे इमरान खान की तरफ से, जो कि अभी मिस्टर ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं और इनकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। अगर इनकी हम करंट कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपनी लेटेस्ट फिजिक हमारे साथ शेयर की है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कितनी अच्छी इनकी कंडीशनिंग लग रही है। लेग्स में सेपरेशन बहुत ही अलग लेवल का लग रहा है, साथ इनके एब्स और शोल्डर, बैक वगैरह आप सब देख सकते हो कितनी टॉप नॉच में इनकी बॉडी लग रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इमरान खान
मिस्टर ओलंपिया में कुछ फ्लेसिंग ला सकते नहीं ला सकते, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल बीस टाइम बार बस को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।